के लिए लेके आया हूं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, और ये जो अपॉर्चुनिटी है एडमिशन लेने का डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, यानी दिल्ली में स्थित ये यूनिवर्सिटी है डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी। और इसमें जो फीस है, अगर आपके फैमिली इनकम 3 लाख से कम है तो आपको सिर्फ 0 फीस देना पड़ेगा। दोस्तों कमाल की यूनिवर्सिटी है, 0 फीस भी है, 25% डिस्काउंट भी है, 50% डिस्काउंट है, 75% डिस्काउंट है, उसके बाद 100% भी डिस्काउंट है, डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली स्टेटस, फैमिली इनकम। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पूरा डिटेल बताता हूं कैसे इसमें एडमिशन लेना, क्या क्या फॉर्म निकला हुआ है और कब से इसमें फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए वीडियो लेके आता हूं। तो दोस्तों जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों ये है यूजी एडमिशन का टैब, ये है पीजी एडमिशन का टैब। मैं इस जो टैब का जो ये लिंक है, इस पेज का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, ये इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन उससे पहले सीख तो लीजिए कि कैसे अप्लाई करना है। हाँ जी, तो यूजी आपको क्लिक करना है, यूजी पे ऑप्शन मिलेगा, पीजी का अभी बाद में नोटिफाई किया जाएगा, पीजी के फॉर्म नहीं आए हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं जैसे मास्टर कोर्सेज हैं इसमें ऑप्शन अभी नहीं आया है। तो यूजी पे आपको क्लिक करना है, यूजी पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर फर्दर 3 टैब मिल जाएंगे। पहला है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, दूसरा जो टैब है वो है एडमिशन ब्राउशर जिसमें प्रोस्पेक्टस है, तीसरा जो टैब है वो है एडमिशन का शेड्यूल। तो सबसे पहले मैं आपको एडमिशन का शेड्यूल बता देता हूं, उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का लिंक, फिर एडमिशन ब्राउशर। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एडमिशन शेड्यूल पे, तो आपको एडमिशन शेड्यूल ओपन हो जाएगा और यहां पे लिखा होगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप राइट यहां पे जाएंगे, राइट साइड में तो साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, न्यू यूजर, यहां एक रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन है और न्यू यूजर भी है, तो आप न्यू यूजर पे क्लिक कीजिएगा। ईमेल आईडी, बहुत इजी इंटरफेस है, बहुत चुटकियों में, जैसे कैसे आप फेसबुक के अकाउंट बनाते हैं, व्हाट्सएप के अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह इस पे अकाउंट बनाना है, सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी इंटरफेस है। आप न्यू यूजर साइन अप पे लॉग इन करके अपना यूजर आईडी बना लीजिएगा, बस आपको एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल ईमेल आईडी तो सबके पास, एंड्रॉयड फोन है तो जीमेल आईडी तो होगा ही, उसके बाद मोबाइल नंबर तो सभी के पास है, जो 10वीं 12वीं तो कर चुके हैं वही एडमिशन ले सकते हैं, उनके पास मोबाइल नंबर तो होता ही आजकल, आप कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन। तो ये पहला जो प्रोसीजर है कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, पहले आपको रजिस्टर्ड करना है उसके बाद अप्लाई करना है। दूसरा टैब में है कि एडमिशन ब्राउशर, तो एडमिशन ब्राउशर पर क्लिक करेंगे तो एडमिशन ब्राउशर ऐसे, ये वाला ब्राउशर जो है एडमिशन ब्राउशर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जो टैब है नेक्स्ट है एडमिशन शेड्यूल, एडमिशन शेड्यूल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एडमिशन शेड्यूल खुल जाएगा। 23 जुलाई से शुरू हो गया है आपको ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसीजर, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और इसमें जो एडमिशन है इसमें टेस्ट नहीं है, इसमें पिछले साल भी टेस्ट नहीं था और उससे पहले भी टेस्ट नहीं था, यानी इस यूनिवर्सिटी में बिना टेस्ट का ही एडमिशन होता है। तो बिना टेस्ट का एडमिशन होता है तो जरूर फायदा उठाइएगा, आपके कट ऑफ के बेसिस पे इसमें एडमिशन हो जाएगा। तो मैं कुछ प्रोस्पेक्टस के इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी सब आप लोग बहुत होशियार हैं और जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या ध्यान रखनी है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जो ध्यान रखनी है वो ध्यान ये रखनी है कि आप फॉर्म अच्छे से भरिएगा, फॉर्म में कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपका इसमें कोई ना कोई कोर्सेज में, कोई ना कोई कॉलेजेस में जरूर एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें टेस्ट है नहीं, डायरेक्ट मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन है। कोर्सेज में दिखा देता हूं, कोर्सेज का नाम मैं बता देता हूं और सारे प्रोसीजर यहां पे हैं। देखिए प्रोग्राम एट AUT, AUT मतलब अंबेडकर यूनिवर्सिटी, राइट, दिल्ली, डी मतलब दिल्ली, और भी जगह अंबेडकर यूनिवर्सिटी है इसलिए इन्होंने डी लगा दिया कि दिल्ली में है, भारत की राजधानी में है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इसमें जो कोर्सेस है देख सकते हैं, 50% अगर 12वीं में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, BBA कोर्स है, कोर्स का नाम बता देता हूं, उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ग्लोबल स्टडीज, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन लॉ एंड पॉलिटिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स विद अ मेजर इन इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स विद अ मेजर इन इंग्लिश, बैचलर ऑफ आर्ट्स विद अ मेजर इन हिस्ट्री, सब में 50% 12वीं में मार्क्स चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स विद अ मेजर इन मैथमेटिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स विद अ मेजर इन साइकोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्ट्स विद अ मेजर इन सोशियोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्ट्स विद अ मेजर इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, उसके बाद वोकेशनल कोर्सेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज है और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, और ये कोर्सेज में बहुत अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है, जैसे कि BVOC अर्ली चाइल्डहुड केयर मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बैचलर ऑफ वोकेशन इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, बैचलर ऑफ वोकेशन इन रिटेल मैनेजमेंट,
बैचलर ऑफ वोकेशन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। दोस्तों ये सारे एडमिशन जो क्राइटेरिया ये आपके मेरिट के आधार पे है, इसमें कहीं भी टेस्ट का मेंशन नहीं है और टेस्ट आपको देना ही नहीं है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद जितने भी मास्टर कोर्सेज हैं दोस्तों इसमें अभी बाद में निकलेगा, तो मास्टर कोर्स का बाद में बताऊंगा, अभी बताने से कोई फायदा नहीं है। बाकी जो सीट्स हैं आप देख सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ सीट्स इस प्रोस्पेक्टस का लिंक भी दे दूंगा, वैसे आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारे जितने भी कोर्सेज हैं सब में सीट्स दे रखा है, ब्रेकडाउन भी दे रखा है कैटेगरीज वाइज। इसमें रिजर्वेशन भी है, जो भी भारत सरकार में रिजर्वेशन होता है, जैसे जो आर्म्ड फोर्सेज में है, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इसके अलावा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए भी है। दोस्तों जो दिल्ली के स्टूडेंट है उनके लिए 85% सीट्स हैं, जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली है उसके 15% है। तो दोनों के फायदे हैं, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ है अभी कम जा रहा है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है। रिजर्वेशन पॉलिसी जैसे होता है जितने भी यूनिवर्सिटीज में सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे है, उसी टाइप से इसमें भी रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन इसमें जैसे पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट का वैसे ही है। बाकी आप देख सकते हैं आर्म फोर्सेज, जैसे देखिए आर्म फोर्सेज डिफेंस का भी रिजर्वेशन है, फॉरेन पर्सन का भी इसमें रिजर्वेशन है। एज लिमिट देख लीजिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए मिनिमम 17 चाहिए और मैक्सिमम 25, बैचलर ऑफ वोकेशंस के लिए मिनिमम 17 और मैक्सिमम 45, 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर ऑफ वोकेशंस में। मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए या एम मास्टर ऑफ डिजाइन के लिए 20 साल मिनिमम और मैक्सिमम 35 साल। तो ये था एज का क्राइटेरिया और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी इंटरफेस है अप्लाई करने के लिए, ऐसे इन्होंने ड्रॉ करके दिखा रखा है। आप पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन का तो करने का कोई मतलब आजकल रहा नहीं है। और फीस का ये ब्रेकअप दिया है कि फीस कैसे कैसे आपको देने हैं, मास्टर डिग्री के क्या क्या फीस है, बैचलर डिग्री के क्या क्या फीस है, और फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, सेमेस्टर वाइज भी इन्होंने दे रखा है। और जो ऑफर्स है ये ऑफर्स है जो कि कमाल की ऑफर है। अगर किसी भी पर्सन का इनकम 3 लाख से कम है घर का, तो उसके 100% ट्यूशन जो है माफ हो जाएगा, कोई भी फीस नहीं लगेगा, ट्यूशन फी वेवर। जिसका 4 लाख से नीचे का है, मतलब 4 लाख से नीचे है, 4 लाख और बिलो है बट मोर देन 3 लाख है, उसको 75% डिस्काउंट मिलेगा ट्यूशन फी में। और जिसका 5 लाख से लेके 4 लाख के बीच में है उनको 50% के डिस्काउंट मिलेगा। जिनका 5 लाख से लेके 6 लाख के बीच में इनकम है उनको 25% डिस्काउंट मिलेगा। और जिसका 6 लाख से ऊपर है उसका कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो भी सरकारी फीस है वो फीस आपको देनी होगी। तो दोस्तों कमाल की यूनिवर्सिटी है, कमाल की चीजें हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में फायदा है, बहुत कम लोगों को पता है, अप्लाई कर लीजिएगा। आउटसाइडर के लिए 15% सीट्स हैं ही, कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्म भर के सिर्फ इंतजार कीजिए। जब भी काउंसलिंग हो, कट ऑफ में नाम आता है, तो आप जाइए एडमिशन लीजिए और आपका करियर सेट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही करियर सेट करने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आपके करियर को सेट करने के लिए वीडियो बनाता हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें राय ज्ञान के फिर मिलेंगे। चलते चलते तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।